रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। बेगमगंज के हनुमान बाग में चल रहा है पांच पंडितों के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड, बजरंग कांड और प्रतिदिन संगीतमय आरती होती है। कार्यक्रम हनुमान बाग में श्री राम बाबा जी के सानिध्य में पांच दिन चलेगा। हनुमान बाग में पांच पंडितों के द्वारा कार्यक्रम चल रहा है संगीतमय आरती के साथ भक्त श्री राम बाबा जी की भी आरती करते हैं। इसके बाद विधि विधान से पंडितों को भोजन कराते हैं। भोजन के उपरांत पंडितों को दक्षिणा दी जाती है। इसके बाद श्री राम बाबा के भोजन से पहले बेजुबान जानवरों को भोजन, गाय, बंदर और भूखा इंसान जो भी यात्रा के दौरान श्री राम बाबा को मिलते हैं उनको भोजन पहले निकालकर विधि विधान से उनकी टोकरी में जमा कर रखा जाता है और बच्चों को फल फ्रूट आम अंगूर संतरा रखे जाते हैं। इसके बाद श्री संत श्री राम बाबा जी भोजन करते हैं। आइए हम बताते हैं सुंदरकांड और बजरंग बाण कराने से क्या होता है। श्री राम बाबा के बताए हुए अनुसार अगर होता है तो परिवार में सुख शांति समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। सुंदरकांड रामचरितमानस के सात कांडों में से एक कांड है। इसमें हनुमान जी के द्वारा सीता जी की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन किया गया है। इसमें दोहे और चौपाई विशेष छंद में लिखी गई हैं। सुंदरकांड सुंदरकांड का प्रत्येक पाठ प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को किया जाता है। इसका पाठ अकेले में हो या समूह के साथ संगीतमय रूप में किया जाता है। सुंदरकांड का नियमित पाठ जीवन की समस्त बाधाओं का नाश करता है। इससे धन संपत्ति सुख वैभव मान सम्मान आदि प्राप्त होता है और ऐसे में संत परमहंस श्री राम बाबा जी के सानिध्य में हो तो उसका पुण्य लाभ अलग से ही मिलता है। बजरंग बाण का पाठ करते समय शुद्ध स्थान व शुद्ध वातावरण का चयन करना चाहिए। मान्यता है कि इस पाठ के शुभ प्रभाव से जीवन में दुर्भाग्य दरिद्रता भूत प्रेत का प्रकोप और शारीरिक कष्ट कभी भी नहीं आते, सभी नाश हो जाते हैं तथा जीवन में शुभता का संचरण होता है। इसकी पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ज्यादातर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यह तो फायदेमंद होता ही है। साथ ही अगर बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे भक्तों की बजरंग बली की आशीम कृपा भक्तों पर बनी रहती है। श्री राम बाबा के बताए हुए अनुसार हो तो परिवार में सुख शांति समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्री राम बाबा के सानिध्य में यह कार्यक्रम विधि विधान से उनकी उपस्थिति में उनकी देखरेख में चल रहा है और हनुमान बाग में चल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम।